हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव पार्ट बाय रोजा। और आज हम बनाने वाले हैं पट्टचित्र ऑन प्लेट। सो पट्टचित्र जो है इंडियन फोक आर्ट है ओडिशा का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेट आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेराकोटा प्लेट लिया है, आर्तन प्लेट। आप चाहें तो अपना ओल्ड कोई भी प्लास्टिक का प्लेट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से मोल्डेड से इसे फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये प्लेन चाहिए। अगर आपका जो भी सरफेस है प्लेन है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मोल्डेड लगाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। मैंने कॉर्नर्स में भी कुछ डिज़ाइंस बना लिया है मोल्डेड से। इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। देन मैं यहाँ पे फेविक्रिल का ये एक्रेलिक कलर, वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ करूँगी। व्हाइट एक्रेलिक करने के बाद आपको डिज़ाइन सीट को ट्रेस करना है। सो अच्छे से ट्रेस कीजिए डिज़ाइन सीट को। डिज़ाइन सीट ट्रेस करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। उसके बाद मैं राउंड ब्रश की मदद से कलर करूँगी। मैंने यहाँ पे फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर यूज़ किया हुआ है। आप इस तरह की सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये 20 रुपीज़ ईज आता है। आप मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं। सो, मैंने यहाँ पे फेविक्रिल का गोल्डन येलो कलर लिया हुआ है। अगर आपके पास गोल्डन येलो कलर नहीं है तो आप लेमन येलो में थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स करके ये कलर क्रिएट कर सकते हैं। इसे हमें स्किन में अप्लाई करना होता है। सो, इस तरह से आपको स्किन में अप्लाई करना है। अच्छे से अप्लाई करें। अगर ज़रूरत हो तो आप इसका 2 कोट भी दे सकते हैं। सो, अच्छे से आपको इस तरह से अप्लाई करना है। इसी तरह के सिंगल कलर आपको शेड यूज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेमन ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन कलर लिया है ड्रेस के लिए। सो, सिंगल कलर आपको अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई भी ब्रांड का एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं, बट आई लव टू यूज़ दिस फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स। तो इस तरह से आपको एक सिंगल लेयर कलर अप्लाई करना है, शेडिंग करना नहीं है इसमें। सो, इस तरह से अप्लाई कर दीजिए। और ब्लाउज के इस पार्ट में भी मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्रीन कलर को। सो, अकॉर्डिंग टू योर कलर कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं। डीप पर्पल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, क्रिम्शन कलर बाकी की जगह, और टील ब्लू मैंने स्किन के लिए यूज़ किया है। उसके बाद मैं गोल्ड कलर अप्लाई कर रही हूँ। सभी ऑर्नामेंट्स पे हम गोल्ड कलर अप्लाई करेंगे। गोल्ड का आप 2 लेयर अप्लाई करें क्योंकि गोल्ड थोड़ा सा लाइट है इसमें। सो, आप चाहें तो 2 लेयर अप्लाई करें जिससे एक अच्छा साइन आपको मिलेगा पेंटिंग में। और इसको एक अच्छा लुक मिलेगा। आप चाहें तो 3D आउटलाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं। फेविक्रिल के 3D आउटलाइनर्स भी आते हैं। सो, उसका भी रिव्यू और अनबॉक्सिंग मैं लेके आऊँगी। सो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को क्लिक करें। सो, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो, इस तरह से सभी ऑर्नामेंट्स को आपको कलर कर देना है अच्छे से। अच्छे से ड्राई होने के लिए आपको छोड़ देना है। और इस तरह के जो डिज़ाइन है आप इसे कलर कर सकते हैं।
कितना अच्छा साइन आ रहा है आप देख सकते हैं। सो बाकी के डिज़ाइन में भी आपको इसी तरह से गोल्डन कलर अप्लाई करना है, जिससे एक यूनिकनेस आपको मिलेगा। और इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन कलर करने के बाद मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर दिया है एंड सभी कलर को दो बार अप्लाई कर दिया है, जिससे एक अच्छा फिनिश लुक आए। उसके बाद मैंने ये वाइट कलर लिया है और कुछ जगह पे हमें हाईलाइट करना है, जैसे कि ये नेक पीसेस। इन बाकी के बॉडी पार्ट्स को भी हम व्हाइट कलर से हाईलाइट करेंगे। इसके लिए आपको जो बेस का कलर है इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, देन आप ये व्हाइट कलर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप इस तरह से लेयर्स में वॉक करें तब आपको जो है अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। क्रोन को भी, जो मुकुट है उसको भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ व्हाइट कलर से। देन मैं यहाँ पे क्रिम्शन कलर लेके कुछ जगह पे ऐड करूँगी, जैसे कि ये पाँव हो गया, फीट में, हैंड्स में। मेल एंड फीमेल दोनों फिगर में आपको ये ऐड करना है। आईज में आपको इस तरह से लाइन वॉक करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे फेविक्रिल का जो 3D आउटलाइनर है वो यूज कर रही हूँ, ब्लैक का। आप चाहें तो एक्रेलिक कलर का भी यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे हेयर में फिल कर रही हूँ कलर को अच्छे से,
जिससे हमारा जो पेंटिंग है वो हमें 3D लुक मिलेगा। सो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है आउटलाइन वॉक। सो अच्छे से आउटलाइन कीजिए और इसका जो नोज़ल है इसे अच्छे से क्लीन करते रहिए जब भी आप वर्क करते हैं, जिससे आपको एक क्लीन फिनिश आर्टिकल मिलेगा। सो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए क्रिएटिव आर्ट बाय रोजा को फॉलो जरूर करें इंस्टाग्राम में और फेसबुक पे भी। आप देख सकते हैं इन बैकग्राउंड में जो वर्क हुआ है उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है और सभी डिटेल काम कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्रिएटिव आर्ट बाय रोजा। थैंक यू।